ऋतिक रोशन और क्रिश सीरीज के फैंस के लिए एक बहुत बड़ी गुड न्यूज सामने आई है। राकेश रोशन ने क्रिश 4 की स्क्रिप्ट अब पूरी कर ली है और बहुत जल्द ऋतिक और राकेश रोशन मिलकर फिल्म का ऐलान भी करने वाले हैं। लेकिन इसी के साथ ताजा खबर ये भी है कि क्रिश 4 में राकेश रोशन ऐसी हीरोइन चुनने वाले हैं जिसके साथ क्रिश 4 के सुपरहिट होने की गारंटी भी होगी। दरअसल राकेश रोशन ने अपनी फिल्म क्रिश 4 के लिए अपना पुराना अद्भुत शगुन अपनाया है, यानी उन्होंने क्रिश 4 के लिए उस एक्ट्रेस को कास्ट करने का मन बनाया है जिसका नाम के लेटर से शुरू होता है। और जैसा कि आप जानते हैं कि के लेटर राकेश रोशन के लिए काफी लकी रहा है। खुद गर्ल्स, खून भरी मांग, काला बाजार, किशन कन्हैया, किंग अंकल, करण अर्जुन का होना प्यार है, कोई मिल गया और क्रिश, ये सभी फिल्में के लेटर से शुरू हुई थी और ये सभी फिल्में सुपरहिट साबित हुई थी। यही वजह रही कि उन्होंने अब क्रिश 4 के लिए कियारा आडवाणी को कास्ट करने का मन बनाया है। जी हाँ, बॉलीवुड हंगामा की रिपोर्ट की माने तो पहले राकेश रोशन ने क्रिश 4 के लिए कृति सेनन को कास्ट करने का मन बनाया था, लेकिन उनकी डेट्स ना मिलने की वजह से अब कियारा को अप्रोच किया गया है। अ सोर्स सेड कियारा आडवाणी इज द वन दे आर लुकिंग आउट टू कास्ट इन क्रिश 4। They are two heroines in the film, and while Kriti Sanon was in contention for the main role, her date diary was completely blocked with as many as 5 films she had already signed up. Kiara was the obvious choice because she is not only pretty but also a really good performer. Plus, her on-screen pairing with Ritik will be fresh. Currently, the Roshans are discussing the modalities with Kiara and then take the final call. यानी अगर कियारा हाँ करती हैं तो इसी के साथ क्रिश 4 के सुपरहिट होने की गारंटी तो पक्की ही समझिए। वैसे आपको बता दें कि क्रिश 3 में के वाली कंगना रनौत थी। पिक्चर तो हिट हुई लेकिन बाद में कंगना और ऋतिक के रिश्ते काफी बिगड़ गए। हालांकि कोई मिल गया और क्रिश में प्रीति जिंटा और प्रियंका चोपड़ा थी और ये फिल्में भी खूब चली थी, मगर क्रिश 4 के लिए राकेश रोशन सब कुछ नया और ग्रैंड करना चाहते हैं और इसके लिए वो अपना अद्भुत शगुन भी यूज करना चाहते हैं। लिहाजा अब के नेम वाली जितनी भी हीरोइंस हैं उनमें फिलहाल कियारा आडवाणी ही टॉप पर चल रही हैं। लिहाजा राकेश रोशन ने कियारा पर दाव खेल दिया है। वेल, तो आप लोग बताइए कि क्रिश 4 में ऋतिक के अपोजिट क्या आप कियारा आडवाणी को देखने के लिए एक्साइटेड हैं? शेयर कीजिए अपनी राय कमेंट सेक्शन में। बॉलीवुड की लेटेस्ट न्यूज, गॉसिप, फिल्म रिव्यूज, सॉन्ग रिव्यूज के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल क्रेजी फॉर बॉलीवुड को। एंड यस, डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन ताकि हमारे चैनल पे आई कोई भी नई इन्फॉर्मेशन आप बिल्कुल भी मिस ना कर पाएं।